चलिए रुक कर लेते हैं 90 हल्के 90 खबरों का। झज्जर पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने आरक्षण मामले पर दिया बयान। डिप्टी सीएम ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण के मामले में प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की दलीलों को स्वीकार कर लिया। डिप्टी सीएम ने कहा कि कानून के समर्थन में उद्योग जगत के प्रतिनिधि संवाद करेंगे। उन्होंने विरोधियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि कानून पर रोक लगवाने के पीछे पॉलिटिकल एजेंडा था। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला 7 फरवरी को बढ़ाड़ा का दौरा करेंगे। डिप्टी सीएम उपमंडल सचिवालय कार्यालय और बीडीपीओ कार्यालय की आधारशिला रखेंगे। साथ ही अनाज मंडी में रेड क्रॉस सोसाइटी के तहत दिव्यांगों को उपकरण भी बांटेंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के दौरे को लेकर एसडीएम और जेजेपी जिला प्रधान नरेश द्वारका समेत दूसरे अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। झज्जर में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जेजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष केसी बांगड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने अपने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की मीटिंग ली। बैठक आगामी नगर परिषद चुनाव को लेकर की गई। केसी बांगड़ ने बताया कि नगर परिषद चुनाव के लिए 54 नगर परिषद उम्मीदवारों की तलाश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बाकी फैसले हाईकमान पर छोड़ दिए गए हैं। नूह में कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मेवात विरोधी बयान को लेकर निशाना साधा। आफताब अहमद ने कहा कि वीरों और शहीदों की भूमि मेवात को बदनाम करना बीजेपी की अल्पसंख्यक समुदाय विरोधी मानसिकता का परिचय है। आफताब अहमद ने कहा कि मेवात इलाके में सभी धर्मों के लोगों ने मुगलों अंग्रेजों से आज देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और बड़ी कुर्बानियां दी हैं। ऐसे में उसके इलाके पर सवाल उठाना शर्मनाक है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा में कहा था कि मेवाती यहां आकर फिर से उपद्रव कर रहे हैं। भिवानी में खाद न मिलने से परेशान किसानों ने परेशानी को लेकर डीसी से मुलाकात की। किसानों ने डीसी के सामने अपनी परेशानी रखी, परेशान किसानों की बात सुनी और वहां पहुंचने वाले किसानों को 5-5 कट्टे देने का आश्वासन दिया। तो वही उपनिदेशक आत्माराम गोदरा ने बताया कि यूरिया का रैक आया था। 1600 मैट्रिक टन यूरिया जिले में बांट दी गई है। किसानों को यूरिया दिलवाई जा रही है। गुरुग्राम में अहीर रेजिमेंट का भारतीय सेना में गठन को लेकर अहीर समाज की तरफ से अनिश्चितकालीन धरना गुरुग्राम के टोल प्लाजा से शुरू हो गया है। धरने पर बैठे लोगों ने साफ कर दिया है कि जब तक भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन नहीं होता तब तक ये धरना जारी रहेगा। बता दें कि पिछले काफी समय से अहीर रेजिमेंट का भारतीय सेना में गठन की मांग को लेकर अहीर समाज की तरफ से केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार को ज्ञापन सौंपने के साथ साथ धरना जारी किया था। सरकार के आश्वासन के बाद भी अभी तक इस मांग को पूरी नहीं किया गया है। हिसार में मनरेगा मजदूरों ने बीडीओ कार्यालय के सामने धरना दिया। मनरेगा मजदूरों ने मजदूरी घटाए जाने को लेकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। उन्होंने मनरेगा विभाग के जेई पर भी आरोप लगाए और कहा कि उनके मनरेगा कार्य दिवस घटाकर मजदूरों के साथ अन्याय किया जा रहा है। मनरेगा मजदूरों का कहना है कि उन्हें जो मजदूरी 2014 में 800 कार्य दिवस के रूप में दी गई अब उसे घटाकर 300 कार्य दिवस से भी कम कर दिया गया है। मजदूरों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि उनके कार्य दिवस पहले की तरह पूरे किए जाए और उनकी मजदूरी का कार्य जारी रखा जाए। चरखी दादरी में 3 आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज हुआ। झोंसू कला पुलिस की ओर से चरखी दादरी महिला और बाल विकास अधिकारी की शिकायत पर केस दर्ज किया गया। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। मोड़ी गांव में चल रही ट्रेनिंग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ओर से सरकारी कार्य में बाधा डालने पर महिला और बाल विकास अधिकारी की शिकायत पर झोंझू कला थाना पुलिस की मामला दर्ज किया गया था। थाना प्रभारी राजवीर सिंह ने बताया कि उन्हें जिला महिला और बाल विकास अधिकारी की तरफ से शिकायत मिली थी, जिसमें बताया गया कि मोड़ी गांव में आंगनबाड़ी और आशा वर्करों को बहकाया गया और सरकारी काम में बाधा डाल दी गई। गोलाचिका में बेमौसम बरसात किसानों के लिए चिंता का वजह बन गई। लगातार हो रही बारिश की वजह से फसलों को नुकसान हो रहा है। पशुओं के लिए चारा
बंदोबस्त करना भी मुश्किल हुआ। किसानों ने कहा कि एक साल तो उन्होंने तीन कृषि कानून की जद्दोजहद में बिता दिया, अब बेमौसमी बारिश परेशान का सबब बनी हुई है। जींद में स्टेट विजिलेंस टीम ने हैवी ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने में रोडवेज क्लर्क को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। स्टेट विजिलेंस के क्लर्क के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी गई। निवासी संजय ने स्टेट विजिलेंस को दी शिकायत। शिकायत में रोडवेज की ओर से संचालित किए जा रहे ड्राइविंग स्कूल में हैवी लाइसेंस की समय विधि को पूरा पर कल ने 10,000 रुपए की डिमांड की थी। कैथल के गांव देवबन के पास चलती गाड़ी का टायर फटने से नेशनल कबड्डी के दो खिलाड़ियों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वही हालत गंभीर होने की वजह से घायलों को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया। जांच अधिकारी के अनुसार युवक की गाड़ी से अपने घर जा रहे थे, वहीं देवबन के पास गाड़ी का टायर फट गया। संतुलन बिगड़ने से गाड़ी पेड़ से टकरा गई और हादसा हो गया। करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था के विशेषज्ञों ने भैंसों की पूंछ के दो क्लोन पैदा करके एक नई सफलता प्राप्त की। क्लोन कटड़ी का नाम कर्णिका और क्लोन कट्टे का नाम गणतंत्र नाम दिया गया है। क्लोनिंग के जरिए दुधारू पशुओं की उच्च उत्पादन वाली नस्लों में वृद्धि होगी और देश में दुग्ध उत्पादन दुगना होगा। किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर एम एस चौहान ने बताया कि ये क्लिनिक कॉलिंग क्षेत्र में नई सफलता है। उनकी रिसर्च सही दिशा में आगे बढ़ रही है। कुंडरी में नालों की सफाई न होने के कारण नालों का पानी ओवरफ्लो होकर सड़क आ गया, जिससे कि वहां के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। साथ ही आने जाने वाले लोगों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रतिया में बढ़ते नशे को लेकर गांव रत्ताखौड़ में महापंचायत भी साथ ही नशे को रोकने के लिए शपथ भी ली गई। वहीं गांववासियों ने कहा कि नशे का व्यापार नहीं होने देंगे, जिससे लेकर पुलिस प्रशासन का सहयोग लिया जाएगा। झज्जर में विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर शहर के सामान्य अस्पताल में विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। वहीं विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर महिला और पुरुष को कैंसर रोग के बारे में जागरूक किया गया। इस दौरान सामान्य अस्पताल परिसर के सभी विभागों के विशेषज्ञ डॉक्टर भी मौजूद रहे। वहीं गुरुग्राम में विश्व कैंसर दिवस पर डॉक्टरों ने लोगों को जागरूक करने का काम किया। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर महिला और पुरुषों को कैंसर रोग से बारे में जानकारी दी गई। साथ ही इस दौरान सामान्य अस्पताल परिसर में सभी डॉक्टर विशेषज्ञों ने मौजूद रहे। कैंसर रोग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इंदु बंसलकर ने कहा कि देश में कैंसर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो कि चिंता का विषय है। साथ ही कहा कि लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इस बीमारी को मात दे सके। करनाल में पंजाब समेत अन्य राज्यों के 21 अपराधियों के पासपोर्ट बना दिए गए। करनाल पुलिस ने इस मामले में अलग अलग 7 FIR दर्ज किया और छापेमारी करते हुए पासपोर्ट बनवाने वाले गिरोह के 3 एजेंटों को गिरफ्तार कर लिया। दो पुलिसकर्मियों, दिल्ली पासपोर्ट कार्यालय के लिए एक अधिकारी समेत पासपोर्ट बनाने वाले को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए दोनों पुलिसकर्मियों को रिमांड सस्पेंड कर दिया गया है। पलवल में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। DSP शिव अर्चन शर्मा ने बताया कि कैंप थाना प्रभारी इंस्पेक्टर कैलाश चंद बढ़ाना और सब इंस्पेक्टर लक्ष्मी नारायण के साथ रात गश्त पर थे। अस्वाटा फाटक के पास उन्हें एक कार में 4 युवक बैठे दिखाई दिए। शक होने पर पुलिस ने कार सवार युवकों को रुकने का इशारा किया। लघु सचिवालय के पास सहराना रोड पर पुलिस ने नाकाबंदी करी। नाका देखकर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इस गोलीबारी में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। मौके से पुलिस ने दो बदमाशों को काबू किया। बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। यमुनानगर में बदमाशों के हौसले बुलंद। नेशनल हाईवे के किनारे एक होटल में नाकाब पोस्टर। बदमाश युवक ने होटल में मैनेजर में देसी कट्टे की नोक पर 1,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया।
इतना ही नहीं, लूट के बाद होटल के मैनेजर को बदमाश कमरे में बंद करके फरार हो गए, जिसके बाद मैनेजर के साथ साथी ने उसको कमरे से छुड़वाया। वहीं सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया। रेवाड़ी में गैंग वॉर के चलते रेवाड़ी में एक युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने के मामले में मॉडल टाउन पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बता दें मामला 31 जनवरी का है, जहां दिन दहाड़े बदमाशों ने दीपक नामक एक युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी। गुरुग्राम में रिठौज हत्याकांड मामले में पुलिस को कामयाबी हासिल हुई। दरअसल बीते रोज गुरुग्राम के रिठौज गांव में एक मर्डर हुआ था, जिसमें गुरुग्राम पुलिस ने 24 घंटों से पहले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कंवर सिंह ने चेयरमैन की शपथ ली 1 साल 36 दिन के बाद शपथ ग्रहण हुआ। वहीं रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव मौजूद रहे। एसडीएम सिद्धार्थ दहिया ने चेयरमैन की शपथ दिलाई। झज्जर जिले के गांव जैतपुर में शादी समारोह में शामिल होने के लिए छुट्टी लेकर जैतपुर गांव का जवान गांव पहुंचने से पहले ही सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि दो अन्य साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायलों के इलाज के लिए झज्जर के नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने गंभीर हालत देखते हुए उन्हें रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया। फिलहाल 90 हल्के 90 अपरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।